नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम 2018 जिसमें 31 अक्टूबर का पेपर हमारे पास आ चुका है और इससे पहले जीके का पेपर 28 अक्टूबर को हुआ था और आज जीके का सेकेंड पेपर था। तो उससे संबंधित आज के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, राजस्थान जीके सहित सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, पेपर हमारे सामने है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप राजस्थान जीके सहित मैथ्स हिंदी सभी विषयों के वीडियोस आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें अनअकैडमी के ऐप पर विशाल माहेश्वरी सर्च करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उससे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के पेपर पर। तो ये आज का पेपर आप देख सकते हैं जीके का, और इसमें जीके शुरुआत है राजस्थान जीके से। और आप पेपर देखिए, प्रश्नों का स्तर देखिए और 28 अक्टूबर के पेपर से इसको कंपेयर कीजिए कि कौन सा पेपर इजी था, कठिन था, तो वो सब आप देखिए। और आपको जिस भी प्रश्नों का उत्तर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें उस प्रश्न का उत्तर बताएं। हम जल्द ही नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे आंसर की के साथ। तब तक आप पेपर देखिए और प्रश्नों का स्तर आप देखिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जैसे ही हम आंसर की का वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये पेपर आप देखिए, जैसे राजस्थान जीके का पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। तो पूरा पेपर आप देख सकते हैं, 100 प्रश्न आज के पेपर में पूछे गए हैं और आंसर की से संबंधित वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी सी है, इसमें स्थानीय नामों को हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। तो कंप्लीट आंसर की जल्द ही चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान जनगणना से है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, पर्यटन से संबंधित है। तो हम आपको एक साथ ही इनकी आंसर की बताएंगे ताकि आपको भी आसानी रहे।
और देखा जाए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। यहाँ आप देखिए 31 ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान कहाँ पर स्थित है? गौरी लोक नृत्य, कृष्णा दिवस, और जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको आए कमेंट करके आप जरूर शेयर करें। बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है, आप यहाँ देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अजमेर मेरवाड़ा का अध्ययन राजस्थान में विलय कब हुआ? चार चोमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है?
और ये अंतिम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और आंसर की से संबंधित वीडियो जल्द ही हमारे द्वारा आंसर की तैयार की जाएगी और जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मोबाइल पर मिल सके कि आंसर की का वीडियो अपलोड कर दिया है। और जिस भी प्रश्न का उत्तर आपका आता है कमेंट जरूर करें, और पेपर के बारे में अपनी राय हम सभी के साथ आप जरूर शेयर करें। धन्यवाद।